नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों उस स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज और आरती इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है इवन मैं जब आपको सेकंड पार्ट वीडियो में दिखाऊंगा सिक्सटी परसेंट तक की गिरावट आपको ये स्टॉक दिखा रहा है ऊपरी स्तरों से कैसे थोड़ी देर में बताऊँगा लेकिन इसके पीछे का आके रीज़न क्या है क्योंकि आप देखेंगे तो सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज नहीं तमाम केमिकल स्टॉक्स में आपको गिरावट तो दिखेगी लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ की गिरावट कुछ ज़्यादा ही गहरी होती चली जा रही है और आज तो आपको मैं दिखाऊंगा अपने 450 के नीचे कंपनी ने क्लोजिंग भी दे दी है दोस्तों और जिस तरह के भयावह नंबर जी हाँ दोस्तों मैं कहूँगा भयावह नंबर बताए जा रहे हैं अगर वो सच होते हैं तो गिरावट अभी और भी बहुत ज़्यादा होनी बाकी है इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों जो एक सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि वीडियो बनाना चाहिए और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी काफ़ी समय से आरती इंडस्ट्रीज़ में वीडियो बनाइए आरती इंडस्ट्रीज में करना क्या है मुझे बस लग रहा था कोई एक सही मौका आना चाहिए और सिक्सटी परसेंट जी हाँ दोस्तों सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा स्टॉक में गिरावट हो चुकी है और आरती इंडस्ट्रीज़ के सामने जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है और कैसे फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी जी हाँ दोस्तों फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव एक गेम चेंजर साबित हो सकता है आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए तो चाहे वो शॉर्ट टू तो मीडियम टर्म में क्या इश्यूज़ हूँ और लॉन्ग टर्म में क्यों है, स्टोरी इतनी इंटैक्ट है जी हाँ लॉन्ग टर्म में क्यों स्टोरी इंटैक्ट है अगर आपने कुछ पाँच दस पर, पाँच परसेंट के आसपास पहले ही स्टॉक को खरीदा है तो अभी इसे बेच करके निकलने का मुझे माफ़ कीजिएगा वो नहीं लगता कि भैया निकल जाना चाहिए हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए आने वाले कुछ समय टफ है दोस्तों जी हाँ टफ हैं रीज़न क्या रीज़न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कहाँ पे पॉजिटिविटी है शॉर्ट टू मिनिट में कहाँ प्रॉब्लम है ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा दोस्तों और मैं आपसे कहूँगा अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं निवेश की सोच रहे हैं दोनों ही सूरत हाल पर ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों ठीक है और मैं ऐसे ही वीडियोज बनाता हूँ दोस्तों अगर आपको कोई अन्य स्टॉक में आप कह सकते हैं क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जवाब देने की कोशिश करूँगा और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों तो इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में चलते हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों भले ही टुकड़ों में देखिएगा क्योंकि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ये वीडियो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ तो देखिएगा पर लगभग एक प्रतिशत के आसपास की आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है ठीक है और स्टॉक फिफ्टी टू वीक लो में चल रहा है दोस्तों और एक साढ़े चार सौ का जो आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था जो कम, जो कंपनी ने कल कंपनी इन द सेंस शेयर ने कल बचा के रखा था आज उसके नीचे की क्लोजिंग दी है तो आने वाले दो चार दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और देखिए जिन्हें ये लगता है कि आखिर ये कितना ही गिर जाएगा उसका जवाब मैं थोड़े ही देर में दूंगा ठीक है जब मैं आपको एक एनालिसिस दिखाऊंगा इकोनॉमिक टाइम्स की तो आप देखिए पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से अगर आप चेक करेंगे ना स्टॉक देखें ऑलमोस्ट पचास परसेंट जी हाँ दोस्तों फिफ्टी परसेंट टूट चुका है और स्थिति और भी ज़्यादा आपको डरावनी लगेगी जब आप पिछले पाँच सालों में देखेंगे और आप देखिए स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट सिक्सटी के आसपास टूट चुका है और देखिए बात सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज की नहीं है प्रॉब्लम स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है लेकिन जो ओवरऑल केमिकल सेक्टर है ना दोस्तों वही बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है चाहे आप आरती इंडस्ट्री को देख लें आज इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया दीपक नाइट्राइट में आप उसे देख लें केमिकल सेक्टर में एक बड़े दबाव का दौर चल रहा है दोस्तों ठीक है और अगर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ देखें आप ये देखिए आप आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर लिखा हुआ है जहां पे आप आएंगे द डाउन ट्रेंड गेन मोर स्ट्रेंथ एज द आर एस आई टू द जोन बिलो थर्टी ठीक है आर एस आई चालीस के नीचे जो दिखाई देगा फॉर द सम फॉर द मोर द ट्वेंटी एस एम ए सिंपल मूविंग एवरेज इज डिसेंडिंग द स्टॉक इज ट्रेलिंग द रेस्ट ऑफ बुलिश मार्केट नाउ ट्रेडर्स कैन सेल द स्टॉक इफ होल्डिंग पोर्टफोलियो एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ फोर नाइनटी ये फोर नाइनटी की बात की गई थी जब भी लिखा गया था विथ टारगेट ऑफ पहला टारगेट चार का दूसरा तीन का और अगला तीन सौ का आने वाले दो से तीन महीनों में तो आप समझिए ये स्थिति को बारे में क्या कहा जा रहा है जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दे सकता इसीलिए क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ इसीलिए आपके साथ में कोई भी ट्रेडिंग की बात यहाँ मैं नहीं करता हूँ दोस्तों बट हाँ जो आर्टिकल्स थे मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों और मुझे ये लगता है साढ़े चार सौ के नीचे की क्लोजिंग जो दिया है ये से वीक बनाता है और अगर ये जो वीकनेस जारी रहेगी एक बार चार सौ के आसपास ये जाएगा ही दोस्तों और अगर फोर हंड्रेड जैसे बड़े बड़े आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी ये नहीं संभाल पाता है तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है बट क्या ये स्टॉक्स को यहाँ पर ख़रीदना गलत होगा तो देखिए मैं एक चीज़ समझा दूँ अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं मुझे आरती इंडस्ट्री इन स्तरों पर खराब नहीं लगती खरीदना लेकिन हाँ टेक्निकली एक बार जो स्टॉक बहुत ज्यादा वीक हो जाता है ना दोस्तों कहाँ जाके रुकेगा ये कहीं कोई नहीं बता सकता शायद ये चार से भी एक अच्छी तेजी दिखाने लग जाए क्योंकि निगेटिविटी प्राइजिंग होती नजर आ रही है इसमें ठीक है या वो निवेशक जो सेफ खेलना चाहते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स का आराम से इंतजार कर सकते हैं ठीक है तो उनके लिए जो सोच रहे भैया कहां तक गिर सकते तो स्थिति वाकई में खराब है स्टॉक वाकई में वीक है दोस्तों ठीक है लेकिन उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस रखते हैं क्या चीज़ें हैं कंपनी एक्चुअली में क्या करती है सिर्फ इसलिए कि 52 वीक लो के आसपास चल रहा है क्या निवेश कर देना चाहिए जोग्राफिकली रेवेन्यू वाइज स्प्लिट क्या है ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस एनालिसिस में मिलेंगे देखिए सबसे पहले क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की हाइलाइट्स हैं ठीक है तो अब क्वार्टर वन के आने वाले हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना सही नहीं रहेगा इसको हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स में कवर करेंगे बट स्टिल आपको अगर जानना है मैं लिख के लाया हूँ आप पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं बट अब सबसे पहले चलते हैं और देखिए कंपनी बैकग्राउंड को यहाँ पे मैंने काफ़ी थोड़ा तवज्जो दी है रीज़न क्योंकि स्टॉक गिरा हुआ है और 52 टू वीक लो के आसपास ना कई निवेशकों को यही नहीं पता होगा कि आरती इंडस्ट्री का एक्चुअल में बिजनेस क्या है ताकि जब वो कोई भी कोई भी एक डिसीजन ले तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ों को दिमाग में रखें ये पूरी चीज़ दोस्तों स्क्रीना से मैंने ले रखी है आप देखें कंपनी बैकग्राउंड 1984 में दोस्तों एक कंपनी बनी थी ठीक है ये मैन्युफैक्चर करती है और डील करती है किसमें स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में किसमें स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स में ठीक और स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वो मार्जिन वाइज बहुत अच्छा है दोस्तों होता है दोस्तों लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा सेक्टर दबाव में चल रहा है खैर अब तो फार्मा भी इन्होंने स्प्लिट कर ही लिया थोड़े समय पहले बट उसके ऊपर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे देखिए कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी इन बेन्न डेरिवेटिव्स कंपनी और जो की वैल्यू चेंज दोस्तों नाइट्रोक्लोरोजीन ठीक है डाक्लोरो माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनशेट गलत कर रहा हूँ अपने पी एच डी करनी नहीं और केमिस्ट्री तो मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरी कितनी बबकाश थी इतनी पड़ते समय ठीक है तो ये तमाम चीज़ें बट इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कंपनी के बाद देखिए इक्कीस मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कितनी ट्वेंटी वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सौ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं सात सौ से ज़्यादा डोमेस्टिक कस्टमर हैं और चार सौ से प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर हैं साठ से ज़्यादा कंट्रीज की विद जिसकी मेजर प्रेजेंस क्या है यूएस यूरोप जापान एक्सेट्रा यानी इतनी बातों से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों ये ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी वेल टमेंट कंपनी है कंपनी में जो गिरावट हो रही है बिजनेस के कारण हो रही है कि बिज़नेस में इश्यूज है और मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी कंपनियाँ अगर बिजनेस में मिलती हैं खराब समय में ही उन्हें ख़रीदने का मौका हो सकता है हाँ जब आप किसी अच्छी कंपनी को ख़राब समय खरीदने की कोशिश करते हैं शायद आपको एक महीना दो महीना थोड़ा आपको परेशान होना पड़े आपकी खरीदारी से शायद वो दस पंद्रह परसेंट गिर जाए अगर आप एकुमलेशन मोड में तो शायद ऐसा ना हो बट मैं कहता हूँ वर्ष के सी में ट्वेंटी ट्वेंटी का शायद आपको लॉस भी हो रहा हो लेकिन अगर आप उसे उसके सबसे बुरे समय एक्मलेट करते हैं तो दो तीन साल का अगर आपका विजन रहता है आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपको वो मल्टी फूड रिटर्न जरूर बना के देगा अनटिल ऑनलिस भाई कोई हिडन आप कह सकते कुछ मैनेजमेंट क्राइसिस चल रहा हो या कुछ ऐसी बात निकल के आ गई हो जिसका पब्लिक प्लेटफॉर्म में या आप कह सकते हैं कुछ ब्लैक सोन इवेंट आ गया हो वरना नॉर्मल में आप एक अच्छा पैसा बना के जाएंगे अब बात कर लेते हैं भाई प्रोडक्ट प्रोफाइल की क्या है कंपनी देखिए स्पेशी केमिकल टोलिन नाइट्रिक एसिड क्लोरीन क्लोरिन मिथिनॉल एक्सेट्रा फार्मा का खैर अलग ही बिजनेस है बट आप बाद में चर्चा करेंगे तो देखिए क्लाइंटील क्या क्या है आप इसके क्लाइंट देखें पॉलीमर में एडिट्यूट सोलवेन ड्यूपॉन्ड साबिया एक्सेट्रा पिगमेंट्स में आप देखेंगे पेंट प्रिंटिंग इंक्स डाइस तो आप देखिए एक फास्ट वैरायटी आपको आपको धंधा दिखेगा एग्रो इंटरमीडियो फर्टिलाइजर में आप देखिए यूपीएल जैसा इनका आप कह सकते हैं ग्राहक है, है कोरमंडल जैसा इनका ग्राहक है तो कंपनी वाइज तो आप ये नहीं कह सकते कि इनके क्लाइंट कमजोर हैं या कंपनी खराब है क्योंकि इनके क्लाइंटेल काफ़ी स्ट्रांग नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो फिर एक बात साबित होती है कि प्रॉब्लम अभी थोड़े से बिजनेस में ही चल रही है बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की देखिए तो 2022 की बात हो रही है ठीक है तो कंपनी ने लगभग जो सेल ऑफ प्रोडक्ट की एटी नाइन परसेंट के आसपास था और ऑपरेटिंग रेवेन्यू 11 परसेंट के आसपास था ठीक है साइबर रेवेन्यू देखेंगे तो वापस से फाइनेंशियल 23 की बात हो 22 की बात हो रही है तो यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों लगभग स्पेशलिटी केमिकल से एट्टी का अपना आप कह सकते हैं इनकम जनरेट किया था फार्मास सोलह परसेंट बात करें जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्रेट की तो देखिए ट्वेंटी में ना कंपनी एक्सपोर्ट से चवालीस परसेंट रेवेन्यू जनरेट किए थे जिसमें से नॉर्थ अमेरिका में ग्यारह परसेंट यूरोप से ग्यारह परसेंट चाइना से पाँच परसेंट जापान से तीन परसेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इलेवन परसेंट वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है दोस्तों ये भले ही फाइनेंशियल ट्वेंटी टू का रहा होगा अभी भी डाटा कितना ही बदल जाएगा एक काफ़ी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट लाइफ को यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं भैया डिमर्जर की जिसकी बात चर्चाएं की जा रही है तो देखिए जनवरी 2030 में दोस्तों कंपनी ने अपनी जो फार्मा फार्माटी है इसको एक सेपरेट कंपनी बनाया था आरती फार्मा में लिमिटेड आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम अहमदाबाद अहमदाबाद एनसीएलबाद के कारण और शेयर होल्डर को डिमर्ज कंपनी का जिस प्रकार से मैं कहूंगा शेयर आपको मिलते हुए दिखाई देगा आप यह देखेंगे रिसीव वन इक्विटी शेयर रुपीज फाइव ऑफ रिजल्टिंग कंपनी फॉर एवरी फोर इक्विटी शेयर ठीक है तो इस प्रकार के कुछ आपके साथ सेटअप किया गया था और अब ये कंपनी एक अलग एंटिटी में काम करती है इतना ही नहीं आपको बता दूं ये जो पार्टनरशिप की खबर है ना इससे स्टॉक पे एक बड़ी चीज दिखाई थी आरती इंडस्ट्री में मेरे को आज भी आता है जब नवंबर 19 2022 में कंपनी ने एक साइन किया था टर्म शीट दोस्तों दीपक फर्टिलाइजर के साथ नाइट्रिक एसिड ऑफ टेक एंड सप्लाई अरेंजमेंट वैल्यूडोवर एट थाउजेंड करोड़ आने वाले बीस सालों के लिए और इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टस बनाया था कंपनी में एक आपको बड़ी तेज़ी भी उस समय देखने को मिली थी और मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए आए थे आपको थोड़ा फंसा फंसा महसूस हो रहा था अगर किसी न्यूज़ फ्लो के कारण एक बड़ी तेज़ी हुई है ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका रहता है स्टॉक से निकलने का मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कतई नहीं कर रहा है यहाँ पर ठीक है अब आ जाते हैं भाई साहब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या हैं तो देखिए कंपनी ने नई केमिस्ट्रीज ऐड किए हैं दोस्तों 40 से प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन्होंने जोड़े हैं केमिकल में जिसके कैपेक्स कितना रखा गया है ढाई या तीन हज़ार का कैपेक्स करके इतना ही नहीं कंपनी आप समझेंगे 100 से भी ज़्यादा बड़े लैंड पार्सल में एकड़ में हंड्रेड प्लस एकड़ के लैंड पार्सल में जो कि कहाँ पर दोस्तों जगादिया में है एक साइट डेवलप कर रहा है जो कि फाइनेंशियल ट्वेंटी तक कंप्लीट होगा ये कहा जा रहा है दिस इंक्लूड्स यू एस एफ डी कैपैसिटी एक्सपेंशन अंडर वी ए पी आई यूनिट तारापुर एंड इंटरमीडियट यूनिटेड वापी यहाँ पर किया जा रहा है तो देखिए आरती इंडस्ट्री भी आने वाले दो से तीन सालों के लिए अपने आप के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपेंशन प्लान एक्सपेंशन बोर्ड रखी हुई है इतना ही नहीं आप यहाँ पाएंगे एक्सपेंशन कम एसेट अपग्रेडेशन फॉर द एसीड यूनिट एट वापी एक्सपेंशन एसेट रेस्टोरेशन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव एक्सेट्रा इतना ही नहीं जो झहाड़िया आप कह सकते हैं झहाड़िया यूनिट है थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला हुआ है ठीक है और इनका जो एन एकस, सी बी ऐसी एक्सपेंशन है ये भी वापी में जारी है यानी कंपनी काफ़ी एग्रेसिव है अपने एक्सपेंशन को लेकर के भी अपने अलग अलग, अलग प्रोजेक्ट्स में बट अब आते हैं कुछ मेजर हाईलाइट्स में ठीक है कुछ मेजर हाईलाइट्स में जहाँ पर आपको ना अब आप चर्चा होगी भैया कंपनी के बारे में कि क्या है कैसा है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है अब कुछ मेजर हाईलाइट्स पर चर्चा करते हैं जो आपको आने वाले क्वार्टर वन में जो चीज़ें होंगी उससे पहले कुछ हद तक आपको प्रोज और कॉन्स के लिए तैयार रखेंगे ठीक है सबसे पहले देखिए क्या प्रॉब्लम हुई थी क्वार्टर वन में मार्केट बहुत वीक थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बड़े स्तर पे मिस कर गया था और आपको पता होगा जैसी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से आप आप ऐसे लूज करते हो मतलब आपके नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं और आप एक केमिकल कंपनी में जहाँ आपकी ऑलरेडी वैल्यूशन थोड़ी सी कह सकते हैं हायर साइड में रहती है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है ठीक है आप देखिए पॉइंट सेवन परसेंट की कॉटन प्रोडक्ट गिरावट देखने को मिली थी रीजन प्रोडक्ट ऑफ्टेक देखने को मिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइक डाइज और पिगमेंट में रिमेन एंड प्राइसिंग ड्यू टू हाई चैनल इन्वेंट्री ठीक है आप देखिए पंद्रह दशमलव दो परसेंट का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला था रेवेन्यू में वॉज ड्रिवन बाय वॉल्यूम्स फ्रॉम एक्सपेंडेड कैपेसिटी फॉर की प्रोडक्ट एज वेल एज हायर कॉन्ट्रीब्यूशन वेल्यूएटेड प्रोडक्ट ठीक है आप देखिए जो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है उसके पीछे का रीज़न है भाई साहब कि जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड की गई की प्रोडक्ट में काफ़ी जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट था जहाँ पर मार्च में कंट्रीब्यूशन होता है आप देखिए ऑपरेटिंग प्रोफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें दो बेसिस नौ बीसिस पॉइंट यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिली थी टू फिफ्टीन पॉइंट टू परसेंट ठीक है इतनी चीज़ें हैं तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया अब थोड़ा चर्चा करते हैं कुछ अन्य चीजों में ठीक है आप यहाँ पाएंगे दैट आप यहाँ पर देखिए एज द कंपनी सफ्लाइज सर्टन टू लो मार्जिन रेगुलर मार्केट एंड शट डाउन एंड मेंच यूनिट रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट बाय टेन करोड़ देखिए कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो कच यूनिट है इनकी और आप कह सकते हैं वो कुछ बंद थे जिसके कारण जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा रही लगभग दस करोड़ के आसपास की आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन देखने को मिलता दशमलव सात परसेंट देखिए ओवरऑल ना क्वार्टर वन फोर के जंबर है, वो बहुत ही ज्यादा खराब थे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी बट मेन जो चीज़ है दोस्तों डिमांड आउटलुक ये थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लमेटिक चीज रही है और पिछले काफी समय से आप देखिए जो डिस्क्रिशनरी डिमांड रही दोस्तों काफी हद तक सब्जियों कमजोर रही है रीजन ग्लोबल स्लोडाउन और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डाइज की डिमांड है और पिगमेंट की यानी हमारे वाले दो से तीन क्वार्टर में रिकवर होगी यानी क्वार्टर वन में भी थोड़ी सी आपको कमजोरी देखने को मिलेगी एक्सपोर्ट जो कि लगभग पचास परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है दूसरे तो रेवेन्यू में मैनेजमेंट का ये कहना है आप कह सकते हैं डिमांड फॉर एग्रोकेमिकल और पॉलिमर इंडस्ट्री विद सस्टेन ये जो डिमांड है एग्रोकेमिकल पॉलीमर की ये थोड़ी अच्छी होती दिखाई देगी लेकिन देखिए डाइज और पिगमेंटा एक बड़ा कंसर्न अभी भी बना ही हुआ है ठीक है आगे आप देखिए जो नॉन रेगुलर डेवलपमेंट मार्केट है दोस्तों 2024 में और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेगुलर मार्केट टू बाउंस बैक इन 25 जो नॉन रेगुलर डेवलपमेंट मार्केट है वो 24 फोर में और जो डेवलप्ड रेगुलर मार्केट है जहां से काफी अच्छा धंधा आएगा वो दो में आते अच्छे दिखाई देंगे तो आप समझ सकते होंगे कि जो प्रॉब्लम है वो वाकई में विजिबल है रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन रेगुलर मार्केट विल बी इन द रेंज ऑफ फाइव टू टेन परसेंट और इसीलिए मैं कह रहा हूँ असली जो मजा है यानी कह सकते हैं असली जो नंबर्स हैं वो जब डेवलप्ड रेगुलर मार्केट से आएंगे ना तब आपको देखेंगे कि कंपनी कितने शानदार नंबर्स पेश करती है अपनी आपके साथ शेयर होल्डर्स के लिए ठीक है आगे चलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस आउटलुक देखते हैं देखिये मैडम ने यह कहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोस्तों ये क्वार्टर फोर में बढ़ के आए थे रीजन न्यू कैपेसिटी जो ऐड की गई सेकंड हाफ ट्वेंटी थ्री में और देयर वाज आल्सो एन एनुअल प्रोविजन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय एक्सपेंस इन क्वार्टर फोर और कुछ एनुअल प्रोजिशन भी किए गए थे एम्प्लॉय खर्चों के लेकर के क्वार्टर फोर में और अदर एक्सपेंसेस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी क्वार्टर फोर में रीज़न जो इनलैंड लैंड लॉजिस्टिक कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था दोस्तों यानी हर एक खर्चा चाहे आपके से अदर आप कह सकते हैं अदर एक्सपेंसेस हो एम्प्लॉय का एक्सपेंस हो और इनलैंड लैंड लॉजिस्टिक यानी एक जगह से दूसरे सामान ले जाने का खर्चा वो काफ़ी बड़ा था कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों कि क्वार्टरली रन रेट इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस टू मार्जिन इन डिक्रीज फॉल इन ट्वेंटी फोर लेकिन हाँ यहाँ से फाइनेंशियल से कुछ अच्छी खबरें होती है आपको दिखाई देंगी ठीक है तो ये एक राहत की बात है आप कह सकते हैं खर्चों को लेकर के अब बात करते हैं भाई साहब प्रोजेक्ट अपडेट की और देखिए प्रोजेक्ट अपडेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी तमाम चर्चा की हुई है शुरू में ही आप यहाँ देख सकते हैं कि भैया जिनका सेकेंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें वॉल्यूम रेपअप किया जा रहा था और थर्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, हो था जो कि लगभग तीसरे करना था इज बिंग अप इन फेस बैनर एंड हायर वॉल्यूम इन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी जो लगातार एक्सपेंशन मोड था क्या कह सकते हैं थर्ड लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सेकंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जो कमीशन करना था क्वार्टर थ्रू में यह रैम्प कब किया जा रहा है जिसका जो वॉल्यूम है वो आपको साफ तौर पर बढ़ते दिखाई देंगे फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में यानी फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इस कंपनी के लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा इतना ही नहीं आप देखें क्वार्टर फोन में कंपनी कमर्शलाइज यूनिट फॉर टू स्पेशली केमिकल प्रोसेस ब्लॉकेट जगाड़िया कुछ दो आप कह सकते स्पेशली केमिकल का ब्लॉक्स भी था दोस्तों वो कमर्शलाइज किया जा, जा कर, किया जा चुका था जो कि यूज किया जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड यूज जो कि एग्रोकेमिकल पिगमेंट और एडिट्स में काम आएंगे दोस्तों ठीक है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है एनसीबी कैपेसिटी एक्सपेंशन एट वापी टू बी कंप्लीट इन क्वार्टर वन फ्रेंट ट्वेंटी तो जो क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर के नंबर जब आएंगे ना दोस्तों तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट ये जो वापी में अपने एक्सपेंशन प्लान की बात कर रही है उसके बारे में क्या कहती है दोस्तों तो ओवरऑल आप देखेंगे काफ़ी हद तक एक्सपेंशन प्लान इनका जारी है इतना ही नहीं आप देखिए यहाँ पे कंपनी कहती है कि जो इनका एसिड डिविजन है दोस्तों इसकी कैपेसिटी लगभग बाईस परसेंट बढ़ जाएगी फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव के शुरुआत तक में ठीक है कंपनी एक्सपेक्ट करती है दोस्तों To the -de by 25. आपको एक वर्ड हर मुझे लगता है काफी शानदार रहेगा और अगर फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव तक अगर डिमांड उसी तरह बढ़ती है ना दोस्तों दीपक नाइट आप कह सकते हैं आरती इंडस्ट्री से माफ कीजिएगा आपके सामने एक काफी अच्छे नंबर आपको आते हुए दिखाई देंगे ठीक है प्रोडक्शन अपडेट हो गया अब देखिए बैंक रेडिट की बात करते हो देखिए बैंक रेडिट देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग अठारह सौ से दो सौ माफ कीजिएगा अट्ठारह से दो हज़ार करोड़ का कैश क्रेडिट है जिसमें इस से इसने चौदह से पंद्रह सौ करोड़ यूटिलाइज कर दिया है और कंपनी को रीपे करना है दोस्तों साढ़े तीन सौ करोड़ फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर में विच विल बी सेपरेटली इवन फॉर फोर क्वार्टर जो कि चार क्वार्टर में सेपरेटली किया जा चुके हैं किया जाएगा यानी बैंक रेडिट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों कंपनी ईमानदारी से आप ईमानदारी नहीं कहना चाहिए आराम से अपने जो भी पैसे देने लेने हैं वो कर रही है तो बैलेंस शीट को लेकर के तो कहीं कोई इशू नहीं है और ये काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है देखिए आउटलुक देखिए जो नियर टर्म ग्रोथ है दोस्तों ये वॉल्यूम्स के थ्रू आगे बढ़ी कहा जा रहा है मैनेजमेंट ने ये बात कही है भैया कि लगभग 25 परसेंट जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलेगी क्योंकि लगातार एक्सपेंशन किए गए कैपेसिटीज की बट

इम्पैक्ट कुड भी एज मच एज टू फिफ्टीन परसेंट ग्रॉस मार्जिन लेवल ठीक है दस से पंद्रह परसेंट का मार्जिन इम्पैक्ट आप समझिए इस चीज को कंपनी मैनेजमेंट खुद ये बात कह रही है तो इशूज क्या है ड्यू टू growth, ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी क्लोज फिफ्टीन परसेंट फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर यानी इशूज है दोस्तों मार्जिन में कमजोरी वॉल्यूम्स में कमजोरी डिमांड में कमजोरी तो उसका असर आपको आपके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा ही ठीक है आप देखिए जो हाई है जो हाई यूनिटिक हेडविंड थी अब धीरे धीरे जा रही है ग्रोथ मोडरेशन एंड लेर मार्केट कॉम्पिटिशन न्यूर मार्केट वुड मीन दैट ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर दैटिंग कंटिन्यू यानी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा वो दबाव में रहेगा ही रहेगा ठीक है ना जो अच्छा पार्ट है जब द गुड पार्ट हाउ एवर इज दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्केल अप मटेरियल फ्रॉम ह्यर यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कोई मटेरियल बढ़ेंगे नहीं ये बात की तो आप कह सकते हैं ये बात के ऊपर साफ साफ कहा जा रहा है यानी खर्चों में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी ओवरऑल अगर आप बात करेंगे कमिंग क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दोस्तों ये थोड़ी सी कमजोर रहने वाली है ग्रॉस मार्जिन वो वापस से 45 से 46 परसेंट नहीं दिखेंगे दोस्तों हरी अनलेस ग्लोबल ग्रोथ पिकअप जब तक ग्लोबल ग्रोथ ऊपर नहीं जाती यानी जो पुराने अच्छे दिन हैं वो आने अभी मुश्किल है ठीक है इतना ही नहीं हैविंग सेड दैट इन्वेस्टर आरती इंडस्ट्री शुड नाट मिस याद ये वर्ड दिखेगा शुड नाट मिस लॉन्ग टर्म पिक्चर प्लीज ये जो इशूज है ना थोड़े समय का दो चार क्वार्टर का अगर आप झेल सकते हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं आरती इंडस्ट्री की जो लॉन्ग टर्म पिक्चर उसे मिस मत कीजिए इट इज़ अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड एरोमेटिकमिकल कंपनी विच बेनिफिट फ्रॉम बोथ इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन एंड चाइना प्लस प्लान ट्रेंड यानी जो कंपनी भारत सरकार ये करी है कि जो केमिकल की इंपोर्टेंट उसे हमें बचना है तो ये जो सपना है उसे अगर पूरा करना है तो उसकी भी और चाइना प्लस वन की जो ट्रेंड चल रही है उसका भी फ़ायदा आती है इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा होगा तो मैं यही कहूंगा शॉर्ट टर्म में और देखिए जब मैं शॉर्ट टर्म में कहता हूँ स्टॉक कहाँ जाके रुकते हैं ना किसी को नहीं पता रहेगा लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ी सी आपको कमज़ोरी देखने को तो मिलेगी लेकिन अगर आपका विजन दो चार सालों का है और खास करके फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव तक का है मुझे ये लगता है कि ये जो गिरावट है ये काफ़ी अच्छा मौका दे रही है दोस्तों लॉन्ग टर्म में निवेश करने का काफ़ी अच्छा मौका दे रही है आपको एक क्वालिटी कंपनी में निवेश का मौका देने का लेकिन मैं फिर कहूँगा सिर्फ इस वीडियो को देख करके मत खरीदेगा दोस्तों ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी आप कोई भी वित्त आप कह सकते पोजिशन बनाए अपने वित्तीय या सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा ये का अंत है जय हिंद